हमारी अगले दिन की शुरुआत पहले दिन से भी ज्यादा एक्साइटिंग और अमेजिंग रही. For we went to explore South Australia's most loved animal, the sea lion. हम ऑस्ट्रेलियन सी लायंस को देखने के लिए आए और तभी अनएक्सपेक्टेडली बारिश शुरू हो गई. मुझे लगा कि अब हम शायद उन्हें देख पाएंगे या नहीं, लेकिन तभी मेरी गाइड ने मुझे बताया कि उन्हें देखने के लिए सबसे अच्छा टाइम है क्योंकि बारिश में वो बड़े प्लेफुल हो जाते हैं. सी लायंस को ऑब्जर्व करने के लिए कैंगरू आइलैंड सील बे इज कंसिडर्ड द बेस्ट डेस्टिनेशन. वर्ल्ड में करीब 3000 ऑस्ट्रेलियन सी लायंस पाए जाते हैं और उनमें से 700 सी लायंस को मैं इस सदर्न कोस्ट लाइन पे देख सकती हूँ. इनके एनवायरमेंटल एंड नेचुरल हैबिटेट में विजिट करना वाज सॉर्ट ऑफ अ रेवलेशन फॉर अस. इसे हमारी गाइड ने हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए. मुझे बताया कि मेल्स यूजली बल्की होते हैं, ब्राउन इन कलर होते हैं और थोड़े बड़े दिखाई देते हैं, और फीमेल लाइट ब्राउन कलर की होती हैं और ये 7 मंथ्स तक प्रेग्नेंट रहती हैं. उसके बाद 7 दिन के लिए वो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं और उसके बाद फिर प्रेग्नेंट हो जाती हैं. दैट मीन्स दे आर फॉरएवर प्रेग्नेंट. एंड सरप्राइज ऑफ सरप्राइजेस, दीज सील्स बिलोंग टू द डॉग फैमिली. वाओ, कैन यू बीट इट, सील एंड डॉग्स. Not out of our exploring and adventure mood, we hit the jackpot by barbecuing our lunch right there in middle of wilderness. Puri duniya se dur, akele is jungle ke beecho beech, picnic tents lage hue hain with private barbecues for families and groups. And we had fish, cheese, roast potatoes, fresh salad and sparkling wine on our menu. यम, याद करते ही मुंह में पानी आ गया. वो गर्मा गर्म खाना मेरे हमसफर के साथ एंड द मोस्ट एक्सोटिक रोमांटिक सेटिंग. इन रिजर्व्स और वाइल्डलाइफ पार्क्स में आकर अब लग रहा है कि आई एम फाइनली इन ऑस्ट्रेलिया. Everything's so different and unique in this one trip to Kangaroo Island. मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने best of the world travel को एक साथ जी लिया हो. But my soul is a wanderer and it asks for more. और मेरे इस wanderlust nature को शायद मेरे guide पहचान गए and he brought us to Stokes Bay. Beach sign को follow करते करते हम लोग बोल्डर रॉक्स तक आ पहुंचे और वहां से हमने अपना रास्ता खुद ढूंढना शुरू किया. स्क्वीजिंग आवर वे थ्रू दोस ह्यूज रॉक्स, समझ नहीं आ रहा था कि हम कहां जा रहे हैं. पर जैसे ही हम उस रॉकी पाथवे से बाहर निकले, वैसे ही एक होल न्यू वर्ल्ड गॉट एक्सपोज टू अस. ओ माय गॉड, द व्यू राइट इन फ्रंट ऑफ मी वाज मेस्मराइजिंग. वाइट प्रिस्टीन कोस्टल बीच, मर्जिंग स्काईलाइन, सीरीन ब्यूटी एंड लव इन द एयर. हैप्पीनेस आउट हियर हैड नो बाउंड्रीज. रणदीप के साथ उन सुनहरी लहरों के किनारे कदम से कदम मिलाकर चलना, हाथों में हाथ डाले, चारों ओर खूबसूरती को खुद में समेटे एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. जिस तरह धड़कन के एहसास को सिर्फ एक दिल ही समझ सकता है, उसी तरह अपने हमसफर के साथ बिताया यहाँ हर एक पल आपका हमसफर ही जान सकता है और कोई नहीं. So
Subscribe to my YouTube channel, Travel with Deepti Bhatnagar, and follow me on Twitter and Facebook.